Brought to you by Khata Book. मैं बाद में दे दूँ। देखिए अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए या उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। इंदौर में कोरोना तेजी से फैल रहा है। वहीं झाबुआ से बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर के बेटे की शादी में कोविड के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इंदौर में शादी में 250 लोगों के शामिल होने की अनुमति का आदेश है, लेकिन सांसद जी की बेटी की शादी में हजारों लोगों की भीड़ नजर आई, जिसमें कई बड़े नेता और अन्य लोग भी मौजूद रहे। कांग्रेस का आरोप है कि समारोह के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव ने समारोह की कुछ तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमलनाथ को भी ट्वीट की है। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद लगातार कोरोना के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अभी हाल ही में सांसद शंकर ललवानी ने देपालपुर में 3 से 4 हजार लोगों का प्रोग्राम करा, दीपावली मिलन समारोह और खाने का आयोजन करा। कल ही झाबुआ के सांसद गुमान सिंह डामोर ने 1000 से ज्यादा लोगों का रिसेप्शन आयोजित करा शादी का इंदौर में आकर। इंदौर जो कि सबसे ज्यादा कोविड से प्रभावित है, एक और मोदी जी लगातार ये निवेदन कर रहे हैं कि कोविड नियमों का पालन करो, और उनके सांसद लगातार कोविड के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसा लगता है कि मोदी जी की बात को भारतीय जनता पार्टी के सांसद गंभीरता से नहीं रहते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना फैलाने के जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक हैं, जो कि शिवराज जी की बात को भी तवज्जो नहीं देते, मोदी जी की बात को भी तवज्जो नहीं देते। इस पूरे मामले को लेकर मैंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से शिकायत की है, उनको ट्वीट किया, उनको ईमेल भेजा है कि इन दोनों सांसद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि एक प्रदेश में दो कानून नहीं हो सकते। आम जनता 250 से ज्यादा लोगों को नहीं बुला सकती है, और इधर लगातार 1000-2000 लोगों का रिसेप्शन नेताओं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किया जा रहा है। यह अपने आप में दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी कोरोना फैलाने की लगातार कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां बीजेपी सांसद डामोर की बेटी की शादी में कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के एक विधायक ऐसे हैं जो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए निमंत्रण पत्र बांटने के बाद अब मेहमानों से शादी में न आने की अपील कर रहे हैं। इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के बेटे आकाश शुक्ला की शादी 9 दिसंबर को होनी है, जिसके लिए उन्होंने 31,000 लोगों को आमंत्रित किया था, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब वो सोशल मीडिया पर अपील कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं और मेहमानों से बेटे की शादी में न आने की अपील कर रहे हैं। और शादी के सभी कार्यक्रम भी अब उन्होंने सिर्फ पारिवारिक लोगों के साथ मनाने का फैसला किया है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।